पहले बाल ऐसे और अब ऐसे, इतना अच्छा वॉल्यूम कैसे आया, क्या क्या स्टेप्स लिए? अगर आप भी इतना अच्छा वॉल्यूम चाहते हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं कि आपके भाई ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं फिर भी आप इतना अच्छा कैसे उनको स्टाइल कर लेते हो, इतना अच्छा वॉल्यूम कैसे दे लेते हो, उसी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में होगा एक बोनस टिप, वो मस्ट है। तो मैं आपका यादव श्री शेयर भाई के हैप्पी एंड करी भर शुरुआत। चलो फिर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि अपने बालों को शैम्पू के साथ धोना है। यहाँ पे शैम्पू के साथ धोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे पता चलेगा। धोने के बाद बालों को एक माइक्रोफाइबर टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से ऊपर ऊपर से टैप करना है। ज्यादा जोर से उसको ऐसे मसलना नहीं है, वो बेकार है, आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको उसको टैप करके या फिर हल्का हल्का करके उसको बालों को थोड़ा सा सुखाना है। एंड देन अपने बालों को, जो आपके बाल आपने गीले किए थे उनको 50% ही सूखने देना है, यानी कि आपके बाल हल्के फुल्के गीले होने चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है वो अब आपको समझ आएगा। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है एक अच्छे वॉल्यूम के लिए, कि आपको मौजी लेनी है। अगर आपके पास मौजी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हालांकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप शेविंग फोम भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी लें, उसको हाथ पे लें एंड देन उंगलियों से अपने जो आपने हल्के हल्के बाल आपके सूखे हैं, हल्के हल्के गीले हैं, उनके ऊपर लगा लें। ये चीज आपको हेल्प करेगी अच्छा वॉल्यूम देने के लिए जब आप स्टेप 3 में जाओगे। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एक जो हमारी गोल कंघी होती है ना उसको लेना है और हेयर ड्रायर को लेना है। आप ये ध्यान रखना कि जो आपका हेयर ड्रायर हो वो ज़्यादा गर्म हवा ना छोड़ रहा हो, नॉर्मल सी हवा छोड़ रहा हो। और अगर आपको ज़्यादा है गर्म करनी है देन मेक श्योर कि वो उसका डिस्टेंस आपकी जो स्कैल्प है या आपके जो बाल है उनसे ज़्यादा होना चाहिए। देन आपको जो अपनी गोल कंघी होती है उसके साथ और हेयर ड्रायर के साथ बालों को ऊपर की तरफ उठाना है। हर बाल, ये ध्यान रखना है कि आपका हर बाल एक तरफ से आपको ऊपर की ओर उठाना है, क्योंकि जो मौजी लगाई है और उसके बाद जब आप गोल कंघी के साथ हेयर ड्रायर को हर बाल को हर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठाते हो तो यही मेन स्टेप है जिससे आपके सारे बाल यहाँ पे देखें पूरे अच्छी तरह वॉल्यूम में आ जाएंगे। आप ये चीज़ घर पे खुद भी कर सकते हो और जब आप अपने किसी हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाएं तो उसको भी बोल सकते हो कि हाँ भाई ऐसे कर, इस तरह से अच्छी तरह वॉल्यूम आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप अपने बालों को गोल कंघी के साथ और हेयर ड्रायर के साथ अच्छी तरह उसको ऊपर की ओर उठा रहे हो देन वो एक साइड से भी उठने चाहिए और दूसरी साइड से भी उठने चाहिए, यानी कि एक तरफ भी उनको उठाना है और दूसरी तरफ भी उनको उठाना है, ताकि एक अच्छी तरह से आपके बाल खुल जाएंगे, अच्छी तरह से उनको वॉल्यूम मिलने का हौसला मिलेगा बोल सकते हैं, या फिर वो अच्छी तरह से वॉल्यूम में आएंगे। स्टेप 4 आपको लेना है डस्ट पाउडर। डस्ट पाउडर जब आप उसको लगाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का ही लगाना है। अब ये डस्ट पाउडर क्या आपको हेल्प करेगा कि डस्ट पाउडर लगाने के बाद आप अपने बालों को किसी भी तरफ स्टाइल कर पाओगे, चाहे आपने हेयर ड्रायर करते वक्त किसी भी तरफ छोड़े हो, हेयर ड्रायर आपके बालों को खोलेगा, जो ये हमारा डस्ट पाउडर ये आपके बालों की स्टाइलिंग उसको एक डायरेक्शन देगा। स्टेप 5, डस्ट पाउडर लगाने के बाद आप कंघी लें और आप जिस तरफ भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं उस तरफ आप स्टाइलिंग कर लें। यहाँ पे मैं दो तरह की स्टाइलिंग कर सकता था, एक तरफ जैसे मैंने अभी साइड के लिए किया है, मैं इसको पूरा ऊपर दोनों तरफ ऐसे बाल खड़े भी कर सकता था जब मैं ज़्यादा, मतलब कि मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी मैं वैसे भी कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपके बाल अंदर से खड़े होके अब उनको वॉल्यूम मिल गया, स्टाइलिंग होगी, लेकिन अब ये स्टाइलिंग ऐसे ही रहे उसके लिए आपको क्या करना है। अगला स्टेप, आपको हेयर स्प्रे लेना है और हेयर स्प्रे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप खुद ही करना चाह रहे हैं तो उसको हल्का हल्का करें, लेकिन कुछ ऐसे बाल होंगे जो ना ऐसे निकल रहे होंगे वो हेयर स्प्रे के से भी बैठेंगे नहीं, देन आपको अपने हेयर ड्रायर का अगेन काम में लेना है। हल्का सा, ज़्यादा स्पीड पे नहीं, हल्की सी स्पीड पे हेयर ड्रायर ऑन करना है एंड देन हल्का हल्का उसको हेयर ड्रायर के उस बाल को हेयर ड्रायर के साथ नीचे करके या जिस तरफ भी आप उसको सेट करना चाहते हो आपको उसके ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रे करना है, जिससे क्या होगा कि जो आपको वो जिद्दी बाल है ना वो भी अपने हिसाब से जिस तरफ आप उसको स्टाइल करना चाहते हो उस तरफ स्टाइल हो जाएगा। बोनस टिप ये है कि जो आपकी साइड्स हैं उनको आप छोटा रखें। जैसे यहां पे देखे, पहले मैंने साइड्स को छोटा किया एंड देन उसके बाद अच्छी तरह से इनको वॉल्यूम दिया, क्योंकि ये एक अल्यूजन क्रिएट करती हैं साइड्स अगर छोटी हैं कि हमारे ये वाले बालों में अच्छा वॉल्यूम है। मैं इन साइड्स को कभी भी बड़ी नहीं रखता जस्ट बिकॉज कि मुझे इनका वॉल्यूम का अल्यूजन क्रिएट करना
होता है। अगर आप ये देखना चाहते हो लो और हाई क्वालिटी जैकेट में कैसे पता लगाएं, देन लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप कॉलेज में रह के पैसे कमाना चाहते हो, देन राइट वीडियो पर क्लिक करें।